हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। मैं हूँ प्रेरणा और आज हम एक बहुत जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं जो कि शिशु में होने वाले तरह तरह के विकारों से संबंधित है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती माएँ कई बार छोटी छोटी गलतियाँ करती हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं होता कि ये गलतियाँ उनको कितनी भारी पड़ सकती हैं, बच्चे के अंदर विकृति उत्पन्न कर सकती हैं। कई बार हम बच्चे को शारीरिक और मानसिक विकृतियों के साथ जन्म लिया हुआ देखते हैं और ये बहुत ही दुखदायी होता है, बहुत ही पेनफुल होता है, लेकिन इसको समय रहते सुधारा जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। तो विकृतियाँ जनरली दो तरह की होती हैं, पहली शारीरिक और दूसरी मानसिक। इनमें कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। तो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी को भी काफी हद तक न्यूट्रिशन से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो सेल की माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिव रखती हैं, एनर्जी देती हैं, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका डेवलपमेंट अच्छे से होता है और जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज भी नहीं आती हैं। तो पोषण और कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनका इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले जानते हैं वो रीजन कौन कौन से हैं जिसकी वजह से बच्चे में विकृतियां आ जाती हैं। सबसे पहली चीज, पोषण की कमी। प्रेगनेंसी में महिलाएं कई बार अपनी चॉइस पे चलने लग जाती हैं, अपनी पसंद और नापसंद से खाना खाती हैं, तो कई बार उनको उचित पोषण जो कि प्रेगनेंसी में ज़रूरी है वो नहीं मिल पाता। कई सारे विटामिन्स, पोषक तत्व, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम आदि की पूर्ति वो नहीं कर पाती हैं। इस वजह से बच्चे के विकास में कमियां रह जाती हैं और उनमें विकृति आ जाती है। प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी शारीरिक विकृति से बचाव के लिए। वैक्सीनेशन अगर समय पे और सारे नहीं कराए हों तो भी विकृतियां आ सकती हैं। कई बार विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से हड्डियां ठीक से डेवलप नहीं होती हैं और बच्चे में विकार आ जाता है, बच्चे विकलांग भी हो सकते हैं। कई बार हाइजीन की कमी से महिलाओं को रिपीटेड बार बार इन्फेक्शंस होते हैं और इन्फेक्शन का असर बच्चे तक जाता है, बच्चे में विकृति आ सकती है। इसके अलावा नॉइज़ पोल्यूशन, आज के समय में प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा है और महानगरों को देखा जाए, दिल्ली, मुंबई ऐसी महानगरों को, बेंगलोर को देखा जाए, तो यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत ही ख़राब है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एयर का पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, नॉइज़ का पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। तो जब आप गर्भवती हैं उस समय आपको पोल्यूशन से बचना है, ख़ास तौर पर आपको धुएं से बचना है। अगर आपके घर में कोई स्मोक करता है तो आप उससे किसी भी प्रकार से बचिए। इसके अलावा नॉइज़ का पोल्यूशन, अगर बहुत तेज़ नॉइज़ बच्चे को मिलती है तो उससे भी बच्चे के अंदर विकृति आ सकती है। तो आप नॉइज़ पोल्यूशन से बचें, आप स्मोक से, धुएं से बचें, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन होते हैं, स्मोक में बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन होते हैं जो आपकी सांस से आपके शरीर में जाते हैं और बच्चे तक पहुँच के बच्चे को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ये तो हमने कारणों को जाना, आप उसको ठीक कैसे करना है ये देख लेते हैं। क्या ध्यान रखना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इन चीज़ों को समझ लेते हैं कि आपको इन्हें कैसे फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़ और सबसे पहला पॉइंट है कि आपको रेगुलर फॉलोअप लेना है। जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है घर पे, तो आपको नज़दीकी गायनकोलॉजिस्ट से मिलना है और नियमित फॉलोअप लेना है, ताकि आपके टाइम टाइम से सोनोग्राफी हो, बेबी के स्कैन हो, और जिससे आपको अपने बेबी के ग्रोथ का पता चलता रहे, डॉक्टर को पता चलता रहे, और ज़रूरी मेडिकेशन समय समय पे दी जा सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि कई हार्मोन की जांच है, जैसे थायराइड आदि की जांच बहुत ज़रूरी है। इससे अगर इन हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस आता है तो बच्चे का विकास खराब हो सकता है। इसलिए फॉलोअप आप बिल्कुल स्किप ना करें, जब जब ज़रूरी है डॉक्टर से सलाह के लिए आप फॉलोअप के लिए ज़रूर जाएं। दूसरा पॉइंट है पोषण युक्त आहार। पोषण युक्त आहार इसलिए ज़रूरी है कि गर्भ में आपका शिशु विकसित हो रहा है, उसे बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स, प्रोटीन आदि सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो ICMR के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग एक प्रेग्नेंट महिला को एक सामान्य महिला से डबल खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगभग 350 कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए होती है, जो कि एक सामान्य महिला को दिया जाता है, उससे 350 कैलोरी ज़्यादा चाहिए होता है। तो इस कैलोरी की पूर्ति आप नट्स से, दूध से, डेयरी प्रोडक्ट से, फलों से, हेल्दी फैट से, अच्छी चीज़ों से कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे को बहुत अच्छा पोषण मिल सके। गर्भधारण की तैयारी करने समय से ही आपको फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाने के लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। और जब तक एक महिला बच्चे को दूध पिलाती है डिलीवरी के बाद तक,
लगभग 3 साल की उम्र तक बच्चे का विकास होता है और जब तक बच्चा दूध पी रहा है माँ का तब तक माँ को फॉलिक एसिड लेना चाहिए ताकि बच्चे का विकास में हेल्प हो सके, सपोर्ट हो सके। चौथा महत्वपूर्ण विषय है कि इन्फेक्शन और बुखार से बचना। आप अगर प्रेग्नेंट हैं और अभी जो कोविड का दौर चल रहा है इसमें कई तरह के इन्फेक्शंस हो रहे हैं, वायरल मौसम बदलने पे होने लग जाता है, सर्द गर्म के प्रभाव से अगर आपको बुखार आ जाता है तो ये चीज़ें आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। तो आपको इनसे सजग रहना है। सबसे पहली बात कि हाइजीन रखना है, खान पान की चीज़ों में भी हाइजीन रखना, साफ़ सफाई रखनी है, परहेज करना है बाहर का खाना खाने से ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो। दूसरी बात कि मौसमी बीमारियाँ और इन्फेक्शन से आपको बहुत बच के रहना है, अपना इतना ज्यादा केयर करना है कि आपको तुरंत तुरंत इन्फेक्शंस नहीं हो, क्योंकि ये इन्फेक्शन बच्चे के दिमागी विकास को बिगाड़ सकते हैं। तो ये इन्फेक्शन को हल्के में ना लें, अपने बुखार को हल्के में ना लें। आप इनसे कोशिश करें, भरसक प्रयास करें कि बच के रहें। तो अगर आप ये काम करती हैं तो आपका बच्चा स्वस्थ होगा, सुरक्षित रहेगा और उसका डेवलपमेंट बिल्कुल परफेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अपनी प्रेगनेंसी केयर करने में हेल्पफुल होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें।